दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर आज हम कला वेग तथा समूह वेग में संबंध ज्ञात करेंगे। अब कला वेग क्या है, समूह वेग क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यहां पर हम केवल कला वेग तथा समूह वेग में संबंध ज्ञात करेंगे। तो कला वेग तथा समूह वेग में संबंध, यदि के तरंग सदिश हो, ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा वीपी कला वेग हो, तो ओमेगा इक्वल टू के वीपी। अब समूह वेग है वीजी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, और ओमेगा हमारे पास में ये है, तो अगर मैं इस ओमेगा की जगह ये रखूं सो वीजी क्या आ जाएगा, वीजी इक्वल टू डी बाई डी के ऑफ के वीपी। तो हमको इसका के सापेक्ष अवकलन करना है, और वो क्या आ जाएगा, पहले मैं वीपी को कांस्टेंट मान लेता हूं और के का के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस सेकंड टाइम के को कांस्टेंट मान लो और वीपी का हो जाएगा डी वीपी अपॉन डी के। सो वीजी इक्वल टू वीपी प्लस के डी वीपी अपॉन डी के। अब के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है और यहां पर डी के की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसका अवकलन कर देता हूं। सो डी के इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट और 1 अपॉन लैम्डा का -1/लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। सो डी के आ जाएगा -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब इस के की जगह आप 2 पाई बाई लैम्डा यहां पर रख दो और इस डी के की जगह -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा यहां पर रखो। सो वीजी क्या आ जाएगा, वीजी इक्वल टू वीपी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा डी वीपी, और डी के हमारा ये हो गया सो -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो ये क्या आ जाएगा वीपी माइनस 1 लैम्डा बचा हुआ है, सो लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। सो वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, और ये क्या आया है, यहां वीपी तथा वीजी में संबंध है, अर्थात कला वेग तथा समूह वेग में संबंध है। तो इस प्रकार हम कला वेग तथा समूह वेग में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। सो गुड बाय।